ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ खांसी की दवाइयों के बारे में। सूखी खांसी एवं बलगम वाली खांसी होने पर हम किन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खांसी के दवाइयों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कफ के बारे में, यानी कि खांसी कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वेट कफ यानी कि सूखी खांसी एवं बलगम वाली खांसी, दोनों खांसी के दवाइयों के बारे में इस वीडियो में जो है वो जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, खांसी बेसिकली जो है वो टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, फिर सेकेंड हमारा आता है वेट कफ, गीली खांसी, उसे हम बलगम वाली खांसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ड्राई कफ मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। सूखी खांसी में किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहला मेडिसिन हमारा आता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन टैबलेट, ठीक है। और ये जो है वो 20 mg में आता है। यह क्या काम करता है, तो ड्राई कफ को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वहीं पर यह ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है, जिस वजह से हमारा ड्राई कफ जो है वो काफ़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी ड्राई कफ के लिए नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो क्लोरपेनेरामाइन मेडिसिन है, जो कि एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन क्लास की ये मेडिसिन आती है। वहीं पर इसका यूज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, फिर से ईचिंग, खुजली होना, इन सभी में क्लोरपेनेरामाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोरपेनेरामाइन ये हमारा क्या हो गया, साल्ट नेम हो गया। बाकी आपको मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड नेम से जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि कॉडेक्स डीएक्स सिरप आता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, क्या हमारा साल्ट नेम आता है, तो क्लोरपेनेरामाइन एंड डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन जो है वो इसमें होता है, ठीक है। वहीं पर इसका यूज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में कॉरेक्स डीएक्स सिरप का जो है वो यूज़ करते हैं। और ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस दवाई है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन टूसवास सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका यूज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, ब्रोंकाइटिस, टूसवास सिरप का यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर कॉप्सिल सिरप आती है। ये दवा जो है वो ड्राई कफ में यूज़ की जाती है, ठीक है। सूखी खांसी में कॉप्सिल सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। वहीं पर इसका यूज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ड्राई कफ की नेक्स्ट मेडिसिन हमारी बेंड्राइल सिरप आती है, और ये भी मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है। आपने
आपने काफ़ी टाइम जो है वो देखा होगा, ठीक है, मेडिकल स्टोर पर, और काफ़ी ज़्यादा आपके घर में भी इस मेडिसिन का यूज़ हुआ होगा। वहीं पे इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी को ठीक करने के लिए बेंड्राइल सिरप का हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जान लिया कि ड्राई कफ को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिंस का भी यूज़ करते हैं, फिर हमारा सिरप आता है। अगर यहाँ पर इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करके, कहने का मतलब टैबलेट या फिर से सिरप का यूज़ करने पर भी जो है वो सूखी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा हम देते हैं? तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में जो है वो यहाँ पर इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। जो कि कौन सी इंजेक्शन हम सूखी खांसी को ठीक करने के लिए लगाते हैं, तो सबसे पहला इंजेक्शन आता है डेक्सोमिथासोन, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारी एविल 25, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है और इसमें फिनेरामाइन मेल्ट होता है। फ्रेंड्स, हम इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर कब लगाते हैं, तो वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर जो है वो लगाई जाती है, स्पेशली ड्राई कफ में जो है वो एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं। क्यों? तो देखिए, डेक्सोमिथासोन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सोमिथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन होती है, यूज एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी कहने का मतलब कि इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट यहाँ पे ये काम करती है। इन्फ्लामेशन का हिंदी होता है सूजन आ जाना, ठीक है, सांस लेने की जो नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसे कम करने के लिए, ठीक है, सूजन को कम करने के लिए डेक्सोमिथासोन का हम यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं आप, ताकि यहाँ पे सूजन कम होगी तो सांस लेने में हमें काफ़ी आसानी होगी, तो खांसी जो है वो सूखी खांसी जल्द से जल्द ठीक हो सकेगा। वहीं पर एविल का यूज जो है वो एंटी एलर्जिक में यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एक एंटी हिस्टामाइंस कैटेगरी की मेडिसिन है। वहीं पे इसका उपयोग जो है वो एलर्जी के अगेंस्ट होने वाली बीमारियों के काम में आता है, जैसे कि स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, खुजली होना, रनी नोज, नाक बहना, वॉटरी आई, आँखों से पानी आना। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर जो है वो लगाया जाता है। कौन सी कंडीशन में हम लगाते हैं, तो चलिए हम सिम्टम्स भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो ट्रबल ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होना, ईचिंग, खुजली होना, फिर आता है हमारा स्नीजिंग, छींक आना, रनी नोज, नाक बहना, हेडेक, सर दर्द होना, फिर और भी इसके कुछ यूज़ हैं जैसे कि रेड और वॉटरी आई, आँखों का लाल, या फिर से आँखों से पानी आना, हेवी और रैसेस, मतलब कि स्किन पर लाल लाल टाइप के धब्बे पर जाने पर। फ्रेंड्स, इन दोनों इंजेक्शन को, यानी कि डेक्सोमिथासोन और एविल इंजेक्शन को एक साथ कब मिलाकर लगाते हैं, तो ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत एवं ड्राई कफ की भी प्रॉब्लम है, तो उसी में हम जो है वो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं ड्राई कफ के कुछ और भी दवाइयों के बारे में, जो कि यहाँ पे टैबलेट है। तो मोंटोलू कास्ट टैबलेट, और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वहीं पर इसका यूज़ ड्राई कफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक बहना, स्नीजिंग, छींक आना, ईचिंग, खुजली होना, तो इन सभी में जो है वो मोंटोलू कास्ट टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके साल्ट नेम के बारे में बात करी, तो देखिए, मोंटोलू कास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन जो है वो इसमें होता है, वहीं पर ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर इससे प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। अब हम बात करते हैं वेट कफ मेडिसिंस के बारे में, यानी कि बलगम वाली खांसी या फिर से गीली खांसी होने पर किन दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इन्हें जो है वो तीन नामों से जाना जाता है, जैसे कि फेलगम, सेप्टम, म्यूकस, ठीक है, इन तीन नामों से भी जो है वो बलगम वाली खांसी को जाना जाता है। वहीं पर ये ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस की इनर मेम्ब्रेन की म्यूकस सिक्रेशन सेल से बनता है, समझ रहे हैं आप। ये जो हमारा वेट कफ होता है, बलगम वाली खांसी जो होती है वो कैसे बनती है, कैसे हमारे को हो जाती है, तो ट्रैकिया, ब्रोंकस, ठीक है, फिर से ब्रोंकोलिस,
कि इनर मेम्ब्रेन की म्यूकस सिक्रेशन की वो सेल से जो है वो बनता है। म्यूकस सिक्रेशन कहने का मतलब क्या, बलगम, ठीक है, म्यूकस का हिंदी हमारा बलगम होता है। तो म्यूकस सिक्रेशन यानी कि बलगम की सिक्रेशन की सेल से जो है वो बनता है, जिस वजह से हमें बलगम वाली खांसी जो है वो होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेट कफ की मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करके गीली खांसी को जो है वो ठीक की जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी आती है एस्थिलीन 4-4 का, मतलब कि इसमें सल्ब्यूटामोल जो है वो 4 mg में पाया जाता है। वहीं पे एस्थिलीन का साल्ट नेम क्या है, कौन सी मेडिसिन है, तो सल्ब्यूटामोल, ठीक है, सल्ब्यूटामोल इसमें पाया जाता है एस्थिलीन में। बाकी ये सिप्ला ब्रांड नेम की आती है। वहीं पर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा यानी कि दमा के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना, तो उस कंडीशन में जो है वो हम इस मेडिसिन का यूज करते। देखिए, अस्थमा में या फिर से जो गीली खांसी होती है उसके कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस जो भर जाता है। अभी मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारी सांस लेने की नली होती है ना, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम एयर वे कहते हैं, उसमें जो है ना वो सूजन आ जाता है एवं बलगम भर जाता है, जिस वजह से हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं पर गीली खांसी जो है ना वो होती है, बलगम वाली खांसी होती है, तो उसी वजह से जो है वो हमारे को गीली खांसी होती है। क्यों होती है, तो सांस लेने की नली जो होती है, ठीक है, एयर वे, उसमें बलगम भर जाता है, ठीक है, उस वजह से जो है वो गीली खांसी होती है। इसीलिए एस्थिलीन का यूज़ हम अस्थमा में भी कर सकते हैं, और अस्थमा के कंडीशन में भी वही होता है, किसी भी व्यक्ति को सांसें प्रॉपर नहीं मिल पाता है अस्थमा के कंडीशन में, जिन्हें तब हम क्या करते हैं, इन्हेलर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बार बार यहाँ पर सप्रेस करता है और यहाँ पर हम सांस जो है वो क्लियरली ले पाते हैं अस्थमा के कंडीशन में, क्योंकि बलगम वहाँ पर भर जाता है सांस लेने की नली में। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यूज़ जो है वो COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में किया जाता है, यानी कि ये भी वही फंड है, सांस लेने में कठिनाइयां होना, सांस लेने में प्रॉब्लम आना। फिर आता है ब्रीदलेसनेस, यानी कि सांस लेने में कठिनाइयां या परेशानी होने पर कफिंग, कफिंग कहने का ये मतलब है वेट कफ, गीली खांसी, ना कि ड्राई कफ, ठीक है, तो यहाँ पे गीली खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए। तो सल्ब्यूटामोल का यूज़ हम कब करते हैं, तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के सिम्टम्स देखे जाते हैं तब, जैसे कि सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना। फिर आता है COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि सांसें थमना, सांस लेने में परेशानियाँ होना, दिक्कत होना। फिर आता है ब्रीदलेसनेस, मतलब कि सांस लेने में कठिनाइयाँ आना, प्रॉब्लम आना, वही बातें हैं, ठीक है, कफिंग, वेट कफ, गीली खांसी देखने के लिए मिल रही, तो इन सभी में सल्ब्यूटामोल का हम यूज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे अस्थमा ट्रीटमेंट के, मतलब कि अस्थमा के दवाइयों पर भी वीडियो बनाया हूं, तो उसमें जो है वो सल्ब्यूटामोल का यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वेट कफ का फंडा वही होता है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उसे सिंपली वॉच कर लीजिएगा, तब आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सांस लेने की नली होती है उसमें कैसे म्यूकस आ जाता है, ठीक है, कैसा दिखता है वो, एक्जैक्टली मैंने वहाँ पे डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वेट कफ के नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि लिवोसल्ब्यूटामोल है और ये लिवोलिन 1 नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के सिम्टम्स में। फिर आता है COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सांसें फूलना, सांसें थमना, सांसें रुकना। फिर आता है ब्रीदलेसनेस, मतलब कि सांस लेने में कठिनाइयां, परेशानी होना, कफिंग, कफिंग कहने का मतलब वेट का, बलगम वाली खांसी होने पर, तो इन सभी में जो है वो हम लिवोसल्ब्यूटामोल का यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमारी अगली मेडिसिन जो है वो टर्ब्यूटालाइन है और इसका यूज़ जो है वो हम वेट कफ में करते हैं गीली खांसी होने पर। वहीं पे सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, लंग डिसीज, फेफड़े में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाने पर, स्पेशली सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है, तो फिर आता है हमारा कफिंग, ब्रोंकाइटिस, तो इन सभी में जो है वो टर्ब्यूटालाइन का हम यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, ठीक है, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो थिक फैलगम कहने का मतलब कि यहाँ पे बलगम वाली खांसी हो रही है और वो भी
थिक है, गाढ़ा है, तो उस कंडीशन में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। फिर आता है टू मच फैलगम। टू मच फैलगम कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बलगम आ रही है, समझ रहे हैं ना आप, काफ़ी ज़्यादा म्यूकस आ रही है खांसी में, बलगम आ रही, गीली वाली, तो उस कंडीशन में भी हम एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का जो है वो यूज़ करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हमारी स्ट्रेप्सिल्स है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें क्या होता है स्ट्रेप्सिल्स में, तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो पाया जाता है। बाकी ये स्ट्रेप्सिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वहीं पे इसका यूज़ थिक फैलगम जो हमारे को फैलगम आ रही है, मतलब कि म्यूकस आ रही है, ठीक है, खांसी में बलगम वाली, वो काफ़ी ज़्यादा थिक देखने के लिए मिल सकता है। थिक कहने का मतलब गाढ़ा। फिर टू मच फैलगम, काफ़ी ज़्यादा बलगम आने पर जो है वो स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एस्थिलीन AX सिरप आती है, जिसका उपयोग ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, यहाँ पे खांसी हो रही है और गीली वाली खांसी है, म्यूकस आ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो उस कंडीशन में जो है वो हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स मैंने ऊपर आपको जो है वो काफ़ी अस्थमा के बारे में बताया कि सांस लेने की नली जो होती है उसमें बलगम भर जाती, जिस वजह से हमारे को बलगम वाली खांसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है वो मैंने दे रखा है, जैसे कि देख सकते हैं नॉर्मल ब्रोंकल जो होती है, ब्रोंकाई होती है, जिसे हम कह सकते हैं ना सांस लेने की नली, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल जो है, स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सांस लेने में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एयर वे में काफ़ी स्पेस है तो सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो नॉर्मल पर्सन की सांस लेने की नली होती है, एयर वे होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। वहीं पर जो अस्थमैटिक ब्रोंकल होती है, ठीक है, अस्थमैटिक एयर वे होती है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं म्यूकस भरा हुआ है, उसी के साथ साथ यहां पे जो है वो इन्फ्लेमेशन भी आया हुआ है, मतलब कि सूजन आ गई है। तो जब खांसी होती है तो यही म्यूकस जो है वो खांसी के थ्रू हमारे को आती है। और दोस्तों अस्थमा के कंडीशन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आई बटन में लिंक दिया गया, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारी वेट कफ की नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है BRO-ZX SF सिरप, ठीक है, BRO-ZX SF सिरप, ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है और इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, ठीक है, कफ के साथ साथ म्यूकस भी आ रही है, बलगम आ रही है, गिली वाली खांसी है, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स हमारी अगली दवा वेट कफ के लिए COFSIL-DX सिरप है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे टाइपिंग जो है वो गलत हो रखी है, पर इसका यूज़ हम किस में करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस में किया जाता है। गीली खांसी होने पर इस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ZENCOF-AM सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस में किया जाता है, गीली खांसी में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट दवा के बारे में, जो कि BROVIS-A है, समझ रहे हैं आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BROVIS-A सिरप, और इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस, गीली खांसी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि गीली खांसी एवं बलगम वाली खांसी में उपयोग में ली जाती है। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये दवाइयाँ जो है वो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी मेडिसिंस की नॉलेज दी गई है, उन सभी मेडिसिंस में से किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।